इसकी मैं दिल की धड़कने सुन रही हूँ पीठ से और ये बस सो रहा है, इसको नींद आ रही है, बेचारा सुबह के जगा हुआ है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, इसको हम ऐसे ही कंधे पर उठा के लेके जाएंगे बोरी की तरह। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो मैंने जीजू को लाइट कपड़ा ब्लैक करो, क्यों अच्छा लग रहा है? बोल लगता है यार, कोई बात नहीं भाई, ये अभी नहीं बोलते, जब ट्रिप खत्म होती है तब बोलते। इमोशनल डैमेज, हां अभी बदलने लग जाएंगे वो बेटी आदमी। मर ला यार इसको, बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, ये लोग चलने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, बस चलना 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 क्या है, बस चलना 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 करे जा रहे हैं और बस फटाफट चल नहीं रहे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। यस, ये वही एडिडास वाली स्वेटशर्ट है जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट व्लॉग में दिखाई थी, अगर आपने नहीं जाके देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जाके जरूर देखना। और ये आज मैंने इंद्रप्रस्थ से लिया है जॉगर, और ये है मेरे नए वाले शूज। तो अब नए कपड़े पहन के चलते हैं। यहाँ भी ना ये मस्ती चल रही है, मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि ये थोड़ा अजीब सी मस्ती चल रही है, इसे इग्नोर। तो अभी चलते हैं फटाफट से घूमने के लिए। तैयार बैठे हो, घर जा रही है, बंदे चल नहीं पा रहे, देख लो जरा पैकिंग ही नहीं हो रही इनकी, सामान ही रख पा रहा। बंद करो हाथ जोड़ के, ऐसा लग रहा है बरसों के लिए जा रहे हैं। बोलो क्या कह रहा है, मैं तो खुली खुली गाड़ी चला दूंगा। कार्तिक हो नहीं पा रहा क्या? ये लोग पता नहीं क्या कर रहे थे देर से, तो आ गए 24/7। कुछ एक तो जरूरी सामान उठाने हैं, वो फटाफट उठा लेते हैं। और ये मेरे हाथ हिलते हुए, मुझे हाँ मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। सुखदेव से आ चुके हैं और मेरे हाथ कांप रहे हैं, ठंड बहुत ज्यादा है सच में। समझ रहे हो ना, ये हाईवे चलता हुआ हम लोग की गाड़ी और ये कार्तिक जी। गाइज बहुत ठंड है, आप भी आ जाओ सारे। आप लोगों ने देखा ट्विनिंग, बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पे आके अगर कुछ खाए ना तो ट्रिप ना अधूरा रह जाता है, भले ही चाहे 1/4 पराठा खाए, पर बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, बहुत ज्यादा ठंड है भाई, बोला नहीं जाना। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो चलो चलते हैं, हमारे बंदे पता नहीं कहाँ हैं यहाँ पे। हाँ जो लेना है लो यार। अरे वाह चॉकलेट परफ्यूम, अरे यार मुझे परफ्यूम चाहिए, एक तो कोई चाहिए। आयुष वहां पे है सारे, जाके बैठ जा यार, पेट कर रहे हैं पराठे का। किचन में जाऊँ बना के मैं ले जाऊँ, मैं जाती हूँ किचन में, मैं बना के ले आती जाऊँ, बना के ले के आऊँ। क्या बोला तूने, एक पहले क्या बोला, चल चल चलो जाके इलाज करो। मुझे लगता है हमारा पराठा पीछे आ रहा है।
रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। यार ये तो मेरा पराठा नहीं था। बेचती हूँ कि बेचती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना ट्रिप अधूरी है। बंदा ये अचार खा रहा है। थैंक यू। और ये देख लो जरा, बस इतना सा, उसको देखो जरा। गंदी बात। दीदी, ये सब वॉइस कैसे दे रहे हो? नहीं, ये सब रिकॉर्ड कर। या तू चाय पी ली तूने? और तू भाई बिल पे कर रहा है, भाई बड़ा आदमी बिल पे कर रहा है। चलो बिल पे कर लेते, पहले निकल लेते हैं, बंदा बिल पे करके आएगा। दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज दिस दीदी? यार आयुष तो आ गया वापस। आ क्या चला, क्या बंद कर दिया इसने? येस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अभी सुबह हो चुकी है, हम लोग रास्ते में हैं। और ये देखो ट्रीज, और इतना अच्छा लग रहा है, इतना सूदिंग वेदर है। ऑब्वियसली विंटर है तो ठंडा मौसम अच्छा ही लग रहा है। और ये मैं एक पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये हवाओं से ना मेरे हाथ देखो, ये हवा के प्रेशर से ना मेरे हाथ पीछे जा रहा है, इसलिए अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मजा नहीं आ रहा है। और ये देखो गाइस कितनी फॉग है, देख रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा है आगे, बहुत ज़्यादा फॉग है ये। जाओ भैया। ले आए, चलो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। क्या कर रहे हो? धूप सेक रहे हो? विटामिन डी है, बहुत तगड़ा है। ये क्या कर रहे है, सो रहा है? ना ना। चलो आते हैं। तो अभी हम पी रहे हैं ऑरेंज जूस इस व्यू के साथ। वाओ, कार्तिक क्या खाना है आपको? भैया जो खिला रहे हैं वही खाऊंगा। क्या कर रहा है? भर भरे वो स्टफ वाले जो होते हैं कुलचे, वो। फोन गिरा सही में? फोन ये नहीं गिरा। एट योर ओन रिस्क मैन। बोल देख हमारा क्या खाना पीना बन रहा है। बढ़िया, एकदम साफ सुथरा। ये भूखे लोग की जगह बना रहा है पेट में। वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। भैया आपका नाम क्या है? घनश्याम वर्मा। नाम है घनश्याम वर्मा। ठीक है जी, शिमला हो ना तो इनके पास आना जरूर आप लोग। छोले कुलचा भरा हुआ है, स्टफ छोले कुलचा। और चाय बन रही है बढ़िया एकदम। जगह कहाँ पे हो आप? बाखना घाट से 1 किलोमीटर आगे हैं। यहाँ पे आके आप खा पी सकते हो। बढ़िया। कैसी लगी? गाड़ी आराम चलाने, यहाँ पे स्किड विस्किड होता होगा जरूर। सारे फ्रेश बर्फ करवा दो। कार्तिक वहां पे ना वो नैरो हो रहा है, जो तुम बोलो ना कार्तिक, थोड़ा उधर काट, उधर काट। अब आपने बहुत नैरो है यार। अरे क्यों काट रहे हो? अब टायर सीधा कर ले, बस यही छोड़ दो, छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो।
सो आप पीछे देख रहे हैं इसको ये स्नोमैन बना हुआ है। एक्चुअली में यार बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ही ज्यादा ठंड है। और मतलब एक तो ना बिल्कुल, एक तो होता है मतलब नॉर्मल ठंड, एक होता है हाथ कट रहे हैं, स्किन कट रही है, ऐसा ठंड, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा। खाना पीना खा लूंगी मैं एंड फिर थोड़ी देर कुछ टीवी वगैरह देखूंगी एंड फिर ना मैं सो जाऊंगी क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। पीछे ये बंदा है जो जिसको ठंड नहीं लगती थी दिल्ली में, उसके हाल देखो, अंदर गर्म स्वेटशर्ट, देन जैकेट, सॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग। ठंड बहुत ज्यादा है, हालांकि यही टाइम होता है ठंड एंजॉय करने का यार। फिर तो 7-8 महीना गर्मियां ही होने होती है, वो गर्मी तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है, पर ठीक है, ठंड भी एंजॉय करने की चीज है तो हम ठंड को एंजॉय कर रहे हैं। और बस बहुत अच्छा सा मतलब लग तो अच्छा रहा है, हर जगह बर्फ बर्फ एकदम रुई की तरह। लेकिन पता है एक बात मैं आपको लोगों को बताऊं, अगर आप लोग देखो मेरे हाथ देखो एकदम रेडिश हो चुके हैं, मतलब कैमरे में हो सकता है आपको इतना समझ में ना आ रहा हो पर ना एकदम रेडिश हो गए हैं अजीब से ना। तो मैंने मतलब बर्फ वगैरह फेंक के मारी थी ना अपने जो हमारे साथ गए इन लोगों को, तो एक बार दो बार में ना हाथ एकदम लाल हो गया यार। खाना वगैरह ऑर्डर कर दिया, थोड़ी देर में आता ही होगा। शॉर्ट व्लॉग को एंड करती हूँ, आप मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सब तो आपको पता ही ना, लाइक शेयर कमेंट वो आप सब करो। अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।